अब तुम समझ गए होगे कि इसे कैसे ड्रॉ करना है। ये किसके लिए है? इसका ऑर्डर किसने दिया? लड़कियों, क्या तुमने? नहीं, मैं नहीं। मैंने भी नहीं, निश्चित रूप से मैंने भी नहीं। अजीब है, अंदर क्या है? हो, यह मेरा है, सच कह रही हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। झूठ मत बोलो, मैंने ये ऑर्डर दिया था। नहीं, यह मैं हूँ, यह मेरा बॉक्स है। तो तुमने इसका ऑर्डर किस लिए दिया था? लड़कियों, तुम ये कभी समझ नहीं पाओगी। इसे एक दिलचस्प चुनौती में हल करना बेहतर है। चुनौती? हाँ, तुम सही हो। अब हम एक चुनौती में जाएंगे। वाह, हम कहाँ हैं? एक चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम में से किसी एक को चॉकलेट फाउंटेन मिलेगा या उसके पास जाएगा जो इन मार्करों के साथ इसे सबसे अच्छा बनाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा। और तुम्हारे पास इसके लिए एक मिनट है और ये शुरू हो चुका है। चलो, मुझे जीतना है क्योंकि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है। क्या? तुम हार जाओगी क्योंकि मेरे पास सबसे अच्छी ड्राइंग होगी। बिंगो! तुम्हारे पास नीले रंग का चॉकलेट फाउंटेन कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जीतूंगी। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पेंट को ऐसे ब्लो क्यों करना है जब केवल इस कैप को हटा सकते हैं? वाह, मैंने खुद ऐसा क्यों नहीं सोचा? मुझे भी ऐसा ही करना है। उप्स, आ, ओ, तो क्या तुमने कोशिश कर ली? क्या काम किया? क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? एक दोस्त की मदद करना बेहतर होता, और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इसके लिए तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। एक साधारण पंख इसमें मेरी मदद करेगा। अच्छे, ओह, अब मैं क्या करूं? अब ये टमाटर के रस की तरह दिख रहा है, या इससे भी बदतर। अब सूजी जरूर हारेगी। अरे हाँ, क्या तुम भी हंस रही हो? तो तुम भी हार जाओगी। अब तुम यह लो। अरे नहीं, तुम क्या कर रही हो? मिला तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। लड़कियों, समय समाप्त हो गया है, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। जूली, वो लाल धब्बा क्या है? गिरा हुआ पेंट, जाहिर है चेहरे पर भी। सूजी, तुम सब भी लाल क्यों हो? क्या तुम सबने एक साथ टमाटर खाया है? ऐसे ड्राइंग नहीं जीत सकते। मीला का काम भी बस ऐसा ही है, लेकिन कम से कम वो बिना किसी लाल धब्बे के है। मीला, तुम जीत गई। हुरे, अब वो सब मेरा होगा। हेलो स्वादिष्ट चॉकलेट, हमें भी कुछ चॉकलेट चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। यह कितना स्वादिष्ट है, मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे यह मिला। इसे खाकर मन खुश हो गया। अरे, सारी चॉकलेट कहाँ गई? और वास्तव में इसे पीने की हिम्मत किसने की? शर्म नहीं आती? ओह, तुम चोर। इस बार तुम्हारा पुरस्कार बहुत अधिक ओरिजिनल होगा। क्या तुम इस प्यारे छोटे कुत्ते को देख रही हो? लेकिन इनाम वह नहीं है बल्कि वह पूप है जो उसके पास है। इस दौर में तुम्हें फिर से अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा, इसलिए अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। समय शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि पूप ड्रॉ करने से आसान कुछ भी नहीं है। ड्राइंग को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए तुम्हें एक गंध जोड़ने की जरूरत है, और मुझे यह भी पता है कि कैसे करना है। यह कैसी बदबू है? क्या यहाँ कोई मर गया है या कुछ सड़ा हुआ है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उप्स, मैंने बहुत दिनों से अपने पैर नहीं धोए हैं। अपने पैर से चित्र बनाना मुश्किल है, लेकिन कोहनी के साथ ड्राइंग करना अधिक सुविधाजनक है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ढेर सारे मार्कर हैं। अरे नहीं,
नहीं। लड़कियों, चित्र बनाना बंद करो, यह दिखाने का समय है तुमने क्या बनाया है। देखो मिला, वो बेशक कुछ नहीं है लेकिन मैंने बेहतर देखा है। यहाँ जैसे कि सूजी का, यह बहुत सुंदर है। और जूली का पूप बस ऐसे ही है। यह स्पष्ट है कि वह हारना चाहती थी। तो फिर ठीक है, उसे असली पूप मिलता है। क्या? लेकिन सूजी ने मुझे बुरा महसूस कराया। मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। तुम्हें खाना ही होगा, यही नियम है। कितना भयानक, मैं सोचूंगी कि यह सिर्फ चॉकलेट है। क्या वो सचमुच पूप खा रही है? नहीं, यह वास्तव में चॉकलेट है। दोस्तों, क्या तुम्हें भी यह चाहिए? जी नहीं, धन्यवाद। इस राउंड में तुम्हारा पुरस्कार होगा मछली। बदबूदार और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। तो इस बार तुम्हें सॉस के साथ ड्रॉ करना होगा। मुझे लगता है यह काफी मजेदार और असामान्य है। तो तुम शुरू कर सकती हो, समय निकल रहा है। मैंने पहले कभी सॉस से पेंट नहीं किया है। मुझे उम्मीद है मैं इसे खूबसूरती से कर सकती हूँ। वहाँ भी बहुत सारे हैं, मेरे पास अच्छा विकल्प होगा। लेकिन सारा कचरा मुझ पर ही क्यों? मैं क्या तुम्हें कोई डस्टबिन लग रही हूँ? मुझे भी लगता है कि शुरू करने का समय है। यह मेरे द्वारा बनाई गई ड्राइंग में से सबसे स्वादिष्ट ड्राइंग होगी। मैं केचप के साथ शुरू करूंगी। और मैं चीज सॉस के साथ शुरू करूंगी। यह पीला है इसलिए इस बेकार मछली के लिए बेहतर होगा। तो चलो शुरू करें। हालांकि यह चीज सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे इसके बदले जल्दी कुछ खोजना होगा। लगता है यह बहुत अच्छा बन रहा है। अरे नहीं, सूजी की ड्राइंग भी मुझसे बेहतर है। मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास 5 उंगलियां हैं, जिसका अर्थ है 5 ब्रश, जिनसे एक ही समय में ड्रॉ कर सकते हैं। इस सॉस से स्वादिष्ट महक आ रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा खा लेती हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना स्वादिष्ट है। नहीं, यह काफी नहीं है, मैं और सॉस खाना चाहती हूँ। मिला, क्या तुम सॉस खा रही हो? लेकिन हमारे पास फ्राइज नहीं है। लगता है मेरा सॉस अब गया। नहीं, मेरे ड्राइंग पर नहीं। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितना स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने सारी सॉस खा ली। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। खैर, समय समाप्त हो गया है। यह देखने का समय है कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, सूजी के साथ चित्रों की अदला बदली। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जूली, तुमने क्या किया? यह मछली की तरह नहीं दिख रही। मिला, मुझे दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है। वाह, यह अच्छा लग रहा है। अब तक मैंने जो भी देखा है उनमें से सॉस का यह सबसे अच्छा चित्र है। सूजी, तुमने बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो मुझे तुम्हें यह मछली देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम कच्ची मछली खाना पसंद करोगी। मैं? पर क्यों? यह सही नहीं है। किसी को घटिया मछली खानी होगी। घटिया क्यों? इसे पकाया जा सकता है। मेरे पास एक बर्नर भी है। तुम क्या कर रही हो? माफ करना, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है। हाँ, इसे सीधे मछली की ओर करना होगा। देखो ये कितनी स्वादिष्ट मछली तैयार हुई है। आखिरकार मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। लड़कियों, इस बार सबसे प्यारा पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यह प्यारी बिल्ली।
इस बार कैट मेकअप करना होगा। जो बेहतर ड्राइंग बनाएगा उसे ये प्यारी बिल्ली मिलेगी। हमेशा की तरह तुम्हारे पास एक मिनट है और यह शुरू हो चुका है। मैं खुद एक बिल्ली की तरह दिखती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सोजी, तुम अपने आप को ज्यादा महत्व दे रही हो। सभी को पता है कि मैं ही जीतूंगी। आईने के इस्तेमाल से किसी ने मना नहीं किया है ना? मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसके बिना अच्छा मेकअप कैसे कर सकता है। उसके साथ ये बहुत आसान है। मैंने लगभग खत्म कर लिया है। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मेरा मेकअप सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया। मेला, देखो जूली चीटिंग कर रही है। वो आईने का उपयोग कर रही है, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उसे सबक सिखाना होगा। बिल्कुल, और मुझे पता है कैसे। अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों? सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ, पर मुझे ये प्यारी बिल्ली अपने लिए चाहिए थी। मेरे पास एक आइडिया है कि एक प्रतियोगी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सुनो सूजी, तुम्हारे नाक पर कम मेकअप लगा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ चलो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मुझे खुशी होगी। अब तुम बहुत बेहतर दिख रही हो। अब तुम बिल्कुल बिल्ली दिख रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हमेशा से पता था कि हम दोस्त हैं। चलो अब देखें कि यह प्यारी बिल्ली किसे मिलेगी। जूली, तुम इसे बिल्कुल नहीं दिख रही हो। तुम्हें मेकअप की कोई समझ नहीं है। सूजी, तुमने क्या किया है? हम यहाँ पायरेट नहीं खेल रहे हैं। ओ, तुम मेला, तुम कितनी दुष्ट हो। पर मेला का मेकअप बहुत ही प्यारा निकला, तो फ्लफी अब उससे दोस्ती करेगी। ओके। मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हें खिलाऊंगी और नहीं। लगता है कि मेला को बिल्ली से एलर्जी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद फजी को संभाल सकते हैं। अच्छी। ओह, मेला हर तरफ से लाल हो गई है। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, है ना फ्लफी? होता है। कितना सुंदर केक है। मैं अपना सजावट चुनने के लिए तैयार हूँ। वाह, गमी कीड़े बहुत अच्छे हैं। मेला जरा देखो तो कितने हैं। अब पहिया घुमाने की तुम्हारी बारी है। मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ कम स्वादिष्ट मिलेगा। मुझे पता था, असली कीड़े। छी, उफ, ये कितने भयानक है। मैं इसे अपने केक पर नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पसंद हो या ना हो, तुम्हें करना होगा। मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि मैं इसे ना देख सकूं। मम्मी, ये चल रहे हैं, ये बहुत भयानक है। इतने कम क्यों? तुम्हें सारे डालने होंगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी खराब हो केट। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। हाँ, देखने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये नियम है। मैं इसे अपने मुंह में नहीं डालना चाहती। कीड़े हिलेंगे, मैं पक्का इसे नहीं बच सकती। इस केक को बिना कीड़ों को तुरंत लेना होगा। ओह, अभी भी घिनौना है। ये कीड़े के स्वाद से लथपथ था। ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे पर कुछ रेंग रहा है। नहीं, नहीं हो सकता। फिर से कीड़े, मैं इसे तंग आ चुकी हूँ। मेरे बालों में भी घुस गए हैं। ये सब कब खत्म होगा? ओह, क्या तुम थोड़ा सावधान हो सकती हो? मेरी नाक के ठीक नीचे कीड़ा उड़ गया। अच्छा है कि तुमने सब खा लिया और केवल मेरे गमी कीड़े रह गए हैं। इससे बेहतर सजावट नहीं है। मुझे यकीन है वे न केवल मेरे केक को सजाएंगे, बल्कि इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। देखो कितना प्यारा है। इसे खाने का समय हो गया है। वाकई कमाल का लग रहा है, और ये कितना स्वादिष्ट है तुम्हें पता नहीं है। मैं एक बार में पूरा केक खाने के लिए तैयार हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता है। केट, तुम मेरे लिए एक चीज कर सकती हो? मुझे सिर्फ एक टुकड़ा दे सकती हो, प्लीज? प्लीज? क्या बकवास कर रही हो? इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी और जवाब की उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी यार। यह क्या है हमला? मैं अपने केक को बचा सकती हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम अपने आप को बचाओ। तुम ही बचाव करने वाली हो, मैं हमला करूँगी। ओह, यह लो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। केक के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हार गई, मैं केक नहीं खा पाऊंगी। मैं ये
हमेशा याद रखूंगी। मेरे पास एक और आइडिया है। तुम क्या कर रही हो मिला? मुझे जाने दो। कोरा केक अब तुम्हारा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम पागल हो। मैं फिर से पहले पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। मैं उड़ जाऊंगी, कितनी तेज हवा है। अरे नहीं, नहीं हो सकता, ये तो लाल मिर्च है। आखिरकार तुम्हें कुछ खराब मिला, स्वादिष्ट नहीं। चलो देखे कि तुम इसे कैसे संभालती हो। मुझे यकीन है कि इस बार किस्मत मेरे साथ होगी। तुम्हें गमी आंखें मिली? यह सही नहीं है। और ऐसा क्यों? सब सही है, किस्मत ने फैसला किया है। देखो मेरे केक पर गमी आंखें कितनी अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, यह स्वाद का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे यह केक हमेशा याद रहेगा। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। क्या तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया था? तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे मुझे अभी चोट लग जाती। लेकिन अब तुम निश्चित रूप से मेरा केक नहीं चुरा पाओगी। और वैसे मुझे इस कांटे की जरूरत क्यों है? मैं अपने हाथों से खाऊंगी, इसका स्वाद बेहतर होता है। और इसके अलावा एक बार में और भी बहुत अपने मुंह में डाल सकते हैं। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। केक नहीं बल्कि एक मीठा सपना। तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी एक खामी है, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। केवल एक गमी आंख रह गई है। क्या होगा यदि मैं इसे फेंकू और इसे अपने मुँह में पकड़ लूँ? अरे नहीं, मिस कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हुआ। यह किस्मत का एक असली तोहफा है, मैं एक गमी चख पाई। अब अपना मिर्च वाला केक खाओ। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ठीक है चलो सजावट के साथ शुरू करते हैं। वैसे यह काफी अच्छा निकला। देखो ये रंग साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो देखे कि तुम्हारे केक का स्वाद कैसा है। इसके बिना भी काम चल जाएगा। लगता है मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे खाना होगा। मुझे पहले से ही गर्मी लग रही है। मुझे मिर्च पसंद नहीं है। इतने कम क्यों? एक साथ कई टुकड़े खाओ। तुम देखना इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझ पर दया करने की कोशिश मत करो, पूरा खाओ। हो गया, आशा है कि अब तुम खुश होगी। अरे नहीं, लगता आग लगने वाली है। मम्मी मैं जल रही हूँ। लगता है मैंने ज्यादा कर दिया है, मुझे उसे सारी मिर्च नहीं खाने देनी चाहिए थी। रुको केट, मैं तुम पर पानी डालती हूँ। कितना अच्छा, धन्यवाद। पहले पहिया घुमाने की मेरी बारी है। कैक्टस? अरे नहीं, लेकिन यह कांटेदार होगा, मैं इसे कैसे खाऊंगी? एक सेकंड रुको, मेरी राय में यह गलती है। फ्रेंच फ्राइज पर पहिया रुक गया है। ठीक है कोई चीटिंग नहीं। हाँ सही है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब मैं पहिया घुमा रही हूँ, कुछ मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। गम? मुझे एकदम सही लग रहा था। वाह इतनी सारी वैरायटी, तुम मुझे उनमें से कम एक दे सकती हो? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद सब कुछ खाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि रंगों को मिलाते हैं तो ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट निकलेगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं शायद इसे खाने से खुद को रोक सकती हूँ। ये बहुत अच्छा निकला, मुझे यह केक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सजावट के लिए सभी च्युइंगम का उपयोग करना जरूरी नहीं है, इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। हाँ तुम सही कह रही हो। देखो मेरे पास एक दिल है। वाह बहुत प्यारा। मुझे लगता है कि केक को पूरी तरह से पूरा करेगा। वाह तुम एक बढ़िया डेकोरेटर हो, धन्यवाद। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, मैंने जो बनाया है उसे खा सकती हूँ। मुझे कोई संदेह नहीं है कि बिल्कुल स्वादिष्ट है। अरे हाँ तुम 100% सही हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं ये सब नहीं खा लेती। केट लेकिन तुम गंदी हो गई हो, तुम्हारे अच्छे शिष्टाचार कहाँ है? या मान लो कि तुम मुझसे सिर्फ जल रही हो। ओ मैं पूरी तरह से भूल गई थी कि बबल गम बबल्स बना सकते हैं। शायद तुम अब रुक सकती हो, ये बबल मुझे डरा रहा है, ये बहुत बड़ा है। बस इतना ही, मुझे इसका अंत करना होगा, मुझे माफ करना। तुमने क्या किया मिला? तुम्हारी वजह से मैं च्युइंगम में ढक गई हूँ, ये बहुत बुरा है। लेकिन ये तुम्हारी खुद की गलती है, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। ओह क्या कांटेदार कैक्टस है, मैं इसे नहीं खा सकती। कुछ सोचो, ये तुम्हारी समस्या है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। मुझे डर है कि ये कैंची फिट नहीं होंगी, कुछ छोटा होना चाहिए। ये भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैनिक्योर वाले बिल्कुल सही है। मेरे कैक्टस को बाल कटवाने का समय आ गया है, जाहिर तौर पर ये कांटे उसे सूट नहीं करते। तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है?
बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब मैं अपने कैक्टस केक को बिना चोट पहुंचाए खा सकती हूँ। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है, मैं पहले से ही सो रही हूँ। अरे उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे चोट पहुँचाई। अपने केक को सजाओ और खाओ। मेरे पास एक आइडिया है, मुझे अपने कैक्टस को ग्रेटर पर रगड़ने की जरूरत है, फिर इसे सजावट के लिए उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। देखो यह लेयर कैसा है, मैंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया, यह पता लगाने का समय है कि इसका स्वाद कैसा है। कैक्टस थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन कुल मिलाकर बुरा नहीं होता, यह बहुत बढ़िया बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटा विवरण भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और फिर सब कुछ पक्का ठीक हो जाएगा। गुड लक।